Hello students, welcome to you in my YouTube channel Daksh Tutorials. Today we are discuss about the type of the set such as empty set, finite set, infinite set, equal set, unequal set, etc. So first of all, I will discuss with you the empty set type of set. First set हमने लिया है empty set. Empty means हमारे खाली, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो. सिंपली लैंग्वेज है ये सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट. और नल सेट और वॉइड सेट, नल सेट भी कह सकते हैं इसको और वॉइड सेट भी कहते हैं. नल सेट कहें, वॉइड सेट कहें या एम्प्टी सेट कहें, एक ही बात होती है. तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट. इसके बाद देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा एक्स, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो. सो इट इज द एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं ला सकते आप. सो इट इज द एम्प्टी सेट. नेक्स्ट कांसेप्ट है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब निश्चित और इनफाइनाइट मींस अनिश्चित. फाइनाइट जिसमें निश्चित एलिमेंट होते हैं. सो इन सिंपली ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, या तो एम्प्टी हो तो भी निश्चित हो गया, उसमें कुछ नहीं है, और या फिर उसमें कुछ डेफिनेट नंबर एलिमेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं. डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द फाइनाइट, अदरवाइज सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. अदरवाइज फिर क्या होता है, या तो एम्प्टी भी नहीं है, फाइनाइट भी नहीं है, तो फिर इनफाइनाइट सेट होगा. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं सेट ए ए बी सी, इसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट है. ये 1 2 3 डॉट 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 आगे इनफाइनाइटली जा रहा है, डेफिनेटली इसके एलिमेंट काउंट नहीं किए जा सकते, सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट अवर कांसेप्ट इक्वल सेट. इक्वल सेट क्या होते हैं, वेरी इजी, इट इज सो. इक्वल सेट वो सेट होते हैं, दो सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट. दो सेट को इक्वल कहा जाता है, सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, उनके एलिमेंट बिल्कुल सेम हो. ऐसा नहीं कि थ्री इसमें भी है, थ्री इसमें भी, तो उसके एलिमेंट, इसमें थ्री नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री है, इसमें थ्री नंबर ऑफ थ्री एलिमेंट, तो इक्वल हो गया, ऐसा नहीं होता. उसमें जो एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए, तब दोनों सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं. सेम एलिमेंट एंड बी राइट ए इक्वल टू बी, अदरवाइज सेट आर सेट टू बी अनइक्वल. अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें क्या कहते हैं, अनइक्वल कहते हैं. अगर ऐसा नहीं आता तो उनका इक्वल कहा जाता है, और द बी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी. फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सेट ए इक्वल टू ए बी सी है, और सेट बी में बी सी ए लिखा हुआ है. इसका मतलब ये सभी के एलिमेंट ऑर्डर हमने इसलिए चेंज किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और आगे कभी भविष्य में इस तरह का आता है तो आप उसे ऐसा ना कहें कि अनइक्वल है, ये इक्वल ही है. सेट में ऑर्डर लिखने से, इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एलिमेंट सेम है. ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी, इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसके एलिमेंट और इसके सेम एलिमेंट है. सो दे आर इक्वल एलिमेंट, इक्वल सेट्स. ठीक है, सो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आगे अगली एक्सरसाइज हम 1.2 अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो जिन बच्चों ने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और वीडियो को जिनको जरूरत है अदर बच्चों को भी शेयर करें. ठीक है, इन लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, दस्ट ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट. हैव ए गुड डे.